आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू यू पिनेकल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स, टॉप 100 करंट अफेयर्स के बारे में। जो सुबह का हमारा सेशन होता है उसमें हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स देख रहे हैं जो टॉप 100 हैं, और आज जो हमारा है ये थर्ड सेशन है जो हम टॉप 100 क्वेश्चंस जो हम इन वीडियोज में कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली करवा दिए गए हैं। डेली करंट अफेयर के जो वीडियो हैं वहाँ से ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, और उसके साथ ही ये सारे क्वेश्चन हर रोज़ आपके लिए अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, नेम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हु हैज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द रिकॉग्निशन ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बताइए कि भारत के जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम, जिन्हें हाल ही में लंदन शहर की स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान की गई है, कौन सी मान्यता दी है ना, रिकॉग्निशन ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन, किन्हें दी गई है ये बताइए। एलिस जी वर्धन, विक्रम कुमार साहनी, संजय चड्डा या कर्णम शेखर, कौन सा इसका सही जवाब होगा ये बताइए। सही जवाब कौन सा होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, जिन्हें अवार्ड दिया गया है किस चीज़ का, जिन्हें मान्यता दी गई है रिकॉग्निशन ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन। तो सही जवाब देखते हैं, ये देखिए ये पहली वुमेन है, इसका आंसर होगा एलिस जी वेदन इसका सही आंसर है। और उसके साथ ही इन्हें जो रिकॉग्निशन दी गई है, और इन्हें जो क्या किस लिए की गई है, इन्हें टू प्रमोट इंश्योरेंस टाइज बिटवीन यूके एंड इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ये फर्स्ट लेडी ऑफिसर हैं जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ये चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्हें ये रिकॉग्निशन दी गई है रिकॉग्निशन ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, ये इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, और उससे पहले इनकी तस्वीर देख लेते हैं, ये इनकी तस्वीर है। सेकेंड क्वेश्चन, वट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 ऑब्जर्व ऑन 7th to 13th April 2019, 7 से 13 अप्रैल को 2019 को विश्व एलर्जी सप्ताह, विश्व एलर्जी वीक ये जो सेलिब्रेट किया गया था, इसका विषय क्या था, इसकी थीम क्या थी। जो थीम के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि वट वॉज द थीम ऑफ दिस, प्रॉपरली कोई भी इवेंट हो सकता है और उसकी थीम क्या रही, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही जवाब कौन सा होगा कि जो एलर्जी डे, वर्ल्ड एलर्जी वीक जो सेलिब्रेट किया गया था, इसकी थीम क्या थी। द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी, से नो टू एलर्जी, हेल्दी स्लीप टू अवॉइड एलर्जी, या फाइट अगेंस्ट एलर्जी। सेकंड क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं, द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी, ए इसका सही जवाब होगा, खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या। अब ये जो इनिशिएटिव है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो किसके द्वारा लिया गया है, वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये शुरू किया गया है, किस लिए, लोगों को बताने के लिए कि जो एलर्जी है उससे आपको किस तरह से अपने आप को रोक सकते हो, या फिर उससे बचने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं यू कैन टेक, कि आप वो कदम उठा सकते हो। तो ये वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो वीक है, ये हफ्ता है, सेलिब्रेट किया था 7 से 13 अप्रैल 2019 को। तो इसका विषय था द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी, ये इसका विषय था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए भी सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019, ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी, ये इसकी थीम थी, और ये कब सेलिब्रेट किया गया था, 7 से लेकर 13 अप्रैल तक ये सेलिब्रेट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, नेम द इंडिजीनियस डिजाइन क्रूज मिसाइल विच इज सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चंडीपुर ओडिशा। ये बताइए कि चांदीपुर ओडिशा, ये जो स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई क्रूज मिसाइल, इसका नाम क्या है जिसे प्रॉपरली सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया, तो कौन सा इसका जवाब सही होगा, पृथ्वी, निर्भय, ब्रह्मोस, मंगल, क्या नाम है इसका, इन चारों में से क्या नाम है इस इंडिजीनियस मिसाइल का, क्रूज मिसाइल का। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सही जवाब देखते हैं, इसका सही जवाब होगा निर्भय, निर्भय इसका नाम है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्रूज मिसाइल है, क्या है ये क्रूज मिसाइल है, जो कि बेंगलुरु में डिजाइन की गई, बेंगलुरु में भी एक जो लैब है अंडर DRDO
डीआरडीओ के अंडर जो लैब में इसको डिज़ाइन किया गया है, और इसकी जो टारगेट है, अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये 1000 किलोमीटर इसकी टारगेट, इसकी रेंज रहेगी। और इसके साथ ही अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के बारे में आपको बता ही दिया गया है, काफ़ी बार डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और अगर हम बात करें कि इसके चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन कौन है, सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। तो यहाँ हमने इसके बारे में बात की, तो नाम क्या है, निर्भय इसका नाम है। ये देखिए, ये इसकी तस्वीर है, यहाँ पे ये इस पे लिखा भी गया हुआ है, ये निर्भय, ठीक है, ये मिसाइल है। आगे देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, कौन सा देश दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की मेजबानी करेगा। बात हुई है यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की, तो कौन मेजबानी करने जा रहा है, इंडिया, चाइना, अमेरिका या UAE। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही जवाब कौन सा होगा कि वर्ल्ड की फोरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब देखते हैं, ये होगा UAE, ये UAE होस्ट करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, UAE। इसका जो इनॉग्रल होगा वो दुबई के अंदर, ये दुबई के अंदर किया जाएगा, दुबई के अंदर होगा, दुबई के भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड यहां लिख देते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे इसको इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। और अगर हम इसके बात करें तो ये कहाँ पे, ये अगर अब ये हम UAE की बात कर रहे हैं, तो UAE की अगर कैपिटल की बात करें तो वो क्या है, अबू धाबी। और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है, UAE दिरहम, तो ये इसकी करेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट कौन करेगा, UAE होस्ट करेगा, ठीक है, मेजबानी करेगा। What is the rank of India in Asia Pacific on Artificial Intelligence Readiness Index? Artificial Intelligence Readiness Index में एशिया प्रशांत में भारत का रैंक क्या है, 4, 3, 6 या 2, रैंक क्या है, किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, किस लिए या किस चीज़ की रैंक पूछी गई है, इंडिया की रैंक पूछी गई है, एशिया पैसिफिक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडनेस इंडेक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड, इंडिया की रैंक क्या है, थर्ड है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के नेम बताए गए हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे उनकी रेडिनेस और ओवरऑल इस यहाँ पे रैंकिंग बताई गई है। तो यहाँ पे जैसे आप देख ही सकते हैं, जो सिंगापुर है उसकी फर्स्ट रैंक है, सेकंड हांगकांग, और थर्ड आपका इंडिया। फर्स्ट थ्री जो आप जो पोजिशन होल्डर्स हैं उनकी कंट्री का नेम तो आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर, हांगकांग और इंडिया, ये यहाँ पे इनकी इधर पोजिशन रैंकिंग बताई गई है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये देखिए, हु वोन द यूनेस्को गिल्मरो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 फॉर द रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट वायलेशन इन म्यांमार स्टेट ऑफ रखाइन। अब ये बताइए, रखाइन जो ये स्टेट है, इसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन पर उनकी रिपोर्ट के लिए यूनेस्को कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 किसने जीता है ये प्राइज। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए, महमूद अबूजर, मोहम्मद शियाते वर्लोन और एंड क्योसोओ या अहमद जीदाबादी, कौन सा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही जवाब देखते हैं, यहाँ बात हुई है गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 की, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, इसमें जो प्राइज़ आपको मिलता है ये 25,000 इसमें डॉलर दिए जाते हैं, और ये अवार्ड जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सबसे पहले, ये 1997 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा आपका वर्लोन एंड क्योसोओ, इनको ये दिया गया है, ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा, किस लिए, रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट वायलेशन इन म्यांमार स्टेट ऑफ रखाइन, ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़राइल लूनर मिशन क्रैश्ड ऑन मून, इनमें से कौन सा इज़राइल, ये लूनर मिशन है, चांद का जो मिशन है, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये जूनो, बेरिशिट, मंगलयान या फिर लूनार 2, कौन सा इसका सही जवाब होगा ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा, ये लूनर मिशन, ये प्राइवेटली फंडेड मिशन था। अब ये बताइए कि ये किसको, नाम क्या था इसका, कौन सा ये इज़राइल, ये जो चंद्र मिशन है ये दुर्घटनाग्रस्त, ये क्रैश हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब देखते हैं, ये है बेरशिट,
ठीक है, ये बेरेशिट ये लूनर मिशन था इसराइल का, ये प्राइवेटली फंडेड ये मिशन था, और जो ये क्रैश हो गया है, ठीक है, ये क्रैश हो गया है, ये लूनर मिशन जो कि मून पर, चांद पर ये क्रैश हो गया। ये देखिए, ये इसकी तस्वीर है। आगे, हु वॉज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा वित्त के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, किन्हें नियुक्त किया गया है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कौन सा होगा, दीप्ति मोहन, सुप्रिया साहा, गार्गी कोल या रविंद्र कुमार? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? यूनियन गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है, और तो क्या नाम है इनका, कौन सा सही जवाब होगा? चलिए सही आंसर देखते हैं, गार्गी कोल। गार्गी कोल को अपॉइंट किया गया है यूनियन गवर्नमेंट ने एज सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर फाइनेंस। और उसके बाद अगर हम बात इनके बारे में बात करें कि ये 1984 बैच के ये ऑफिसर हैं। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है। आगे, हु वोन द डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल 2019? डच इंटरनेशनल बैडमिंटन 2019 का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है? हर्षल दानी, आकर्षि कश्यप, किरण जौहर या सौरभ वर्मा? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही जवाब कौन सा होगा? डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल 2019 के बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब देखते हैं, ये है हर्षल दानी। हर्षल दानी ने ये जो टाइटल है ये डच इंटरनेशनल बैडमिंटन 2019 का ये अपने नाम कर लिया है। और इन्होंने किसको डिफीट किया है ये देख लेते हैं। इन्होंने बेस क्रिस्टोफर्सन, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, क्रिस्टोफर्सन को डिफीट किया है, और ये कहाँ, ये डेनमार्क, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा। हर्षल दानी 22 साल के हैं और इन्होंने ये टाइटल अपने नाम कर लिया है, ठीक है। अब इसके बारे में हमने यहाँ इतना जान लिया है। एक चीज और आपको बता दें, कहाँ पे हेल्ड किए गए थे, ये नीदरलैंड में, नीदरलैंड में ये आयोजित किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में इतना हमें पता लग गया है। आगे, ये इनकी तस्वीर है, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन बोट नेम मैराइन लिजार्ड? किस देश ने दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नाव मरीन लिजार्ड का सफल परीक्षण किया है, सफल टेस्ट किया है? इसराइल, USA, जापान या फिर चाइना? इन चार ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, A, B, C या D? बात हुई है यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्टिंग की, किस चीज की, वर्ल्ड का पहला एम्फीबियस ड्रोन बोट जिसका नेम क्या है, मरीन लिजार्ड। नेम आपको मेन जरूरी है कि नेम यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मरीन लिजार्ड है, ये किस देश ने किया है? चलो, इसका टेस्ट किया है ये चाइना, चाइना इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी, चाइना इसका सही जवाब होगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ये जो बोट है, चलो पहले इसकी तस्वीर देख लेते हैं। ये जो बोट है, अगर इसके बारे में हम बात करें, तो इसकी अगर हम यहाँ लंबाई के बारे में बात करें, तो ये 12 मीटर लॉन्ग है, और ये एक शिप के शेप में है, जैसे आप देख ही सकते हो कि ये एक शिप के शेप में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और ये लैंड और सी, सबसे बड़ी इसकी बात यही है, लैंड और सी दोनों ही ऑपरेशनल यूज के लिए ये फायदेमंद है। और इसको जो ये है, इसको सैटेलाइट के थ्रू भी, ये सैटेलाइट के थ्रू भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सफलतापूर्वक इसका जो परीक्षण है वो किया है चाइना ने, ठीक है, इतना आपको इसके बारे में यहाँ बता दिया गया है। आगे देखते हैं, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरप्लेन विच टुक इट्स फर्स्ट एवर फ्लाइट इन कैलिफोर्निया। दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का नाम बताइए जिसे इसने हाल ही में कैलिफोर्निया में अपनी पहली उड़ान भरी है। बात हुई है यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरप्लेन की, एयरप्लेन की बात हुई है जिसने पहला अपनी पहली कैलिफोर्निया से उड़ान अपनी भरी है, तो उसका नाम क्या है, रॉक मैक रेक्स या फिर स्ट्रेटोलॉन्च, कौन सा इसका सही जवाब होगा, सही जवाब कौन सा होगा? चलिए सही जवाब देख लेते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उसका नाम क्या है, ROC, ट्रॉक इसका सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ इसकी तस्वीर देख लेते हैं, ये जो यहाँ ये एरोप्लेन जिसने अपनी पहली उड़ान भरी है, इसके जो विंग्स हैं, एक फुटबॉल के जो मैदान होता है, फुटबॉल के मैदान से भी बड़े इसके विंग है, और 6 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पे कितने, यहाँ 6 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं, और इसके जो व्हील हैं, यहाँ पे इसके जो पहिए हैं, 28 पहिए इसके अंदर लगे हुए हैं। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 50 फीट इसकी ऊंचाई है, और ये 1 घंटे के अंदर, अगर हम इसकी बात करें, इसकी स्पीड की बात करें, तो ये 1 घंटे के अंदर 853 किलोमीटर की स्पीड की रफ्तार ये पकड़ सकता है। तो इसमें अभी तो इसने पहली उड़ान भर ली है, लेकिन काफी टेस्ट इसके होने बाकी हैं, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 11 का सही जवाब है रॉक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे देखिए, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिलिस्टाइन, फिलिस्तीन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, प्रधानमंत्री कौन बने हैं। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये बताइए, मोहम्मद अशते, मोहम्मद अब्बास, जुबानेल मोइक या जीन मिशेल लापिन। सही जवाब कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इशते। मोहम्मद इशते इसका सही जवाब होगा, जो कि कहां फिलिस्तीन के ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, इनकी तस्वीर देख लेते हैं, ये इनकी तस्वीर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द कैंपेन लॉन्च बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ टू कंस्ट्रक्ट ए बेटर वर्ल्ड फॉर चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, ये बताइए कौन सा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर दुनिया में बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। चारों ऑप्शन है, हैशटैग डे, वन डे फॉर चिल्ड्रन, क्रिकेट फॉर चिल्ड्रन, प्ले विद चिल्ड्रन या चिल्ड्रन टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड कप, सही जवाब कौन सा होगा ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैशटैग वन डे फॉर चिल्ड्रन, वन डे फॉर चिल्ड्रन इसका सही जवाब है। अब यहाँ देखिए, ये जो किया गया है, ये जो इन्होंने इसको इसकी शुरुआत की है, इस कैंपेन की शुरुआत की है, किस लिए की है? टू प्रमोट बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल चाइल्ड, टू प्रमोट, यहाँ पे लिख देते हैं, टू प्रमोट या कंस्ट्रक्ट अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल चाइल्ड। ये इन्होंने इसके प्रमोशन के लिए, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये शुरू की है, जिसका नाम क्या है, वन डे फॉर चिल्ड्रन, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे इससे रिलेटेड ये तस्वीर है, आगे देखिए, हु वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2019, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड है, पुरस्कार है, किसने जीता है? जॉन मोर, पीटर टेनहोपेन, बेसमेंट या क्रिस मैकग्रॉथ, किसने ये अपने नाम किया है? सही जवाब कौन सा होगा? यहाँ बात की गई है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2019 के बारे में, तो ये अपने नाम कर लिया है जॉन मूर ने, जॉन मूर ने अपने नाम किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अच्छा, इन्होंने अपने नाम तो किया है, लेकिन किस लिए? इनके जो एक पिक्चर है, इनकी जो फोटो है, क्राइंग गर्ल एट बॉर्डर, यहाँ पे इसकी फोटो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, एक छोटी सी बच्चे की ये तस्वीर है, ये बॉर्डर पे, यहाँ पे इसको और इसकी मदर को यहाँ कस्टडी में ले लिया गया था US जो बॉर्डर ऑफिशियल हैं उन्होंने, तो यहाँ पे इस तस्वीर के लिए इसको फोटो ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या था, जॉन मूर, जॉन मूर इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अब ये बताइए, गूगल ने अपनी जो पहली है कृत्रिम इंटेलिजेंस लैब है, इनमें से किस देश में लॉन्च की है? घाना में, नाइजीरिया, अल्जीरिया या फिर केन्या, इसका सही जवाब कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब देख लेते हैं। ये घाना की जो कैपिटल है, जो क्या है, एक्रा, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा, कि गूगल ने जो लॉन्च की है पहली आर्टिफिशियल लैब, किसमें? घाना की जो कैपिटल है, एक्रा में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द थर्ड इंडियन ऑफशोर कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल दैट हैज कमीशन बाय द जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस तीसरे भारतीय ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम बताइए, जिसे हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत जी ने कमीशन किया है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, विक्रम, पृथ्वी, वीर या फिर निर्भय। अब ये देखिए, यहाँ बात की गई है, ये जो थर्ड सीरीज है किसकी? इंडियन ऑफशोर कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल की, जिसको कमीशन किया गया है जनरल बिपिन रावत चीफ, ये आर्मी चीफ है, जो जिनका नाम क्या है, बिपिन रावत, इन्होंने ही इसको कमीशन किया है। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का ये सही जवाब कौन सा होगा, ये बताइए क्या नाम है उसका, सही जवाब देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी, वीर इसका सही जवाब होगा, तो जो कि क्या है, थर्ड इंडियन ऑफशोर कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल ये है, इसको कमीशन किया गया है आर्मी चीफ ने, ये इसका सही जवाब होगा। इसके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ तस्वीर देख लेते हैं, ये इसकी तस्वीर है, और अगर यहाँ पे इस वीर इसकी बात करें, तो हम ये 98 मीटर ये लॉन्ग है, इसकी लंबाई है,
और 15 मीटर ये अगर इसकी चौड़ाई देखें, वाइडनेस इसकी देखते हैं तो ये 15 मीटर ये चौड़ी है, ठीक है। और ये इसका सही जवाब आगे हमने देख लिया है। आगे देखते हैं, नेम द फॉर्मर ब्राजीलियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन प्रेसिडेंट हु हैज बैंड फॉर लाइफ टाइम बाय फीफा। ब्राजील के पूर्व फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिसे फीफा द्वारा आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। किन्हें कर दिया गया है ये बताइए, जोस मारिया मोरिन, जियाजी इन्फेंटिनो या फिर रोजरियो कोबैको या जायज मेरियस बोल्सनारो, कौन सा इसका सही जवाब होगा जिन्हें आजीवन के लिए बैन कर दिया गया है फीफा से, लाइफ टाइम के लिए इन्हें फीफा से बैन कर दिया गया है, कौन है वो। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब देखते हैं और ये भी देखेंगे कि क्यों बैन कर दिया है। सही जवाब होगा जोस मारिया मोरिन को बैन कर दिया गया है, और किस लिए बैन किया है ये देखते हैं। इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग या फिर अगर हम बात करें रैकेटरिंग के लिए इन्हें दोषी पाया गया, और कोड ऑफ कंडक्ट के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको फॉलो ना करने के लिए, उनको रूल्स को तोड़ने के लिए, और इस लिए इन्हें लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, फॉर्मर ब्राजीलियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन प्रेसिडेंट हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है फीफा से, इनकी तस्वीर ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रेज्ड एन अलार्म ओवर 300% रेज इन केसेस रिगार्डिंग व्हिच डिजीज इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 की पहली तिमाही में किस बीमारी से संबंधित मामलों में 300% से अधिक वृद्धि की गई है, पाई गई है क्या। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी बीमारी है जो 300% की उसकी वृद्धि आंकी गई है, कौन सी है, HIV/AIDS, मलेरिया, मधुमेह या फिर मीजल खसरा, कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए सही जवाब देखते हैं, इसका सही जवाब होगा जो कि है ऑप्शन नंबर डी, मीजल्स। खसरे के ये केसेस हैं ये सामने आए हैं और बड़े हैं, इसके जो केसेस हैं ये 30% राइज, इसमें बढ़ोतरी पाई गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये WHO ने 170 कंट्रीज में इसमें पाया कि 170 कंट्री में से अगर केसेस की बात करें इसके, तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं ये 112,163 केसेस जो कि कब पाए गए 2019 में, और अगर 2018 की बात करें तो वो कितने केसेस थे 28,124 केसेस, और ये कितने कंट्रीज के बीच ये 163 कंट्रीज के बीच में ये या उन कंट्रीज में से ये केसेस पाए गए, ये इतने केसेस हैं, किसके हैं ये मीजल्स के केसेस हैं, ठीक है। और कौन से ईयर में ये बता दिया गया है 2019 और 18 की जो यहाँ पे बताई गई है इधर नंबर्स, ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, एप्पल ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर हैज रिसेंटली बैन विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप आफ्टर ए स्टेट कोर्ट ऑर्डर। ये जो स्टेट इनमें से कौन सी ऐप है जिसको बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया है मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, एप्पल ऐप स्टोर ने और गूगल प्ले स्टोर ने इस ऐप को, इसमें से किस ऐप को, वीडियो ऐप है ये, इसको बैन कर दिया है, प्रतिबंधित इसको कर दिया है। अब ये बताइए, आई एम श्योर इस क्वेश्चन का तो जवाब सबको ही पता होगा, या फिर हो भी सकता है ये आपके फोन में भी इंस्टॉल हो, ठीक है। चलिए अब इसको बैन कर दिया गया कौन सी, स्प्लैश है या फिर डब स्मैश है, टिकटॉक है या फिर पबजी, कौन सा इसका सही जवाब होगा। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब देखते हैं, पहले सही जवाब देख लेते हैं, ये कौन सी ऐप है, ये टिकटॉक ऐप है जिसको बैन कर दिया गया है। अब ये जो किया है ये मद्रास हाई कोर्ट ने, मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर इसको बैन कर दिया गया था, और गूगल ने और एप्पल ऐप स्टोर इस दोनों ने ही इसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ये चाइना की ऐप है, कहाँ की है ये, चाइना की ऐप है, और जो कंपनी है उसका नाम क्या है, उसका नाम देख लेते हैं, ByteDance Technology, और इसने अपील भी की थी लेकिन इसकी अपील को खारिज कर दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि जो ये ऐप है इससे पोर्नोलॉजी बच्चों के अंदर बहुत गलत इसका असर देखने को मिला है और पोर्नोलॉजी को ये बढ़ावा देती है, इसलिए इसको यहाँ पे इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा टिकटॉक। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटिंग वेस्कुलराइज्ड इंजीनियर्ड हार्ट हैज बीन रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये जो आर्टिफिशियल 3D हृदय दिल बनाने की सफलता इन्होंने प्राप्त की है, हार्ट बनाने में सफलता प्राप्त की है, तो ये कौन से देश के वैज्ञानिकों ने काम किया है।
इंडिया, चाइना, अमेरिका या फिर इसराइल, इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा होगा? कौन सा इसका सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 20th का सही जवाब कौन सा होगा आपका? वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटिंग, ये जो इंजीनियर हार्ट की बात हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20th का सही जवाब देख लेते हैं। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ये किसने किया है? अच्छा, इसके बारे में आपको यहाँ पे इधर जो 3D, ये ध्यान रखना है आपको, 3D प्रिंटिंग की बात हुई है, 3D प्रिंटेड हर्ट की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है? तो ये किसने किया है? इसराइल। क्वेश्चन नंबर 20th का डी इसका सही जवाब होगा। इसराइल की जो तेल अविव यूनिवर्सिटी है, तेल अविव यूनिवर्सिटी, इसके जो रिसर्चर्स हैं, इनके जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस हार्ट को डेवलप किया है। ये जो पूरा हार्ट डेवलप किया गया है, ये प्रॉपरली इसके में जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, इसमें जो वेंट्रिकल्स हैं और इसमें जो यूज़ हुए हैं, वो प्रॉपरली इसको अच्छी तरीके से इधर 3D प्रिंटिंग की इसमें शेप दी गई है, ठीक है? तो ये इसका बायोलॉजिकल मटेरियल्स का यूज़ करके इसराइल के तेल अविव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसको बनाया है। तो ये इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 20th के लिए, इसराइल। ये इसकी तस्वीर है, ये रहा। नेम द इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट हु हैज चूजन बाय नासा टू लीड अ टीम टू लॉन्च द क्यूबसैट इन स्पेस व्हिच इज अ मिनी रिसर्च सैटेलाइट। भारतीय मूल के में अमेरिकी छात्र का उनका नाम क्या है जिनकी अगुवाई वाली टीम द्वारा तैयार क्यूब सेट को नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? चारों ऑप्शंस हैं आपके सामने हैं और यहाँ पे ये इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है जिनको नासा ने चूज किया है टू लीड ए टीम टू लॉन्च ए क्यूब सेट, स्पेस में क्यूब सेट ये लॉन्च करने के लिए, जो कि मिनी, विच इज़ अ मिनी रिसर्च सैटेलाइट, जो एक मिनी रिसर्च सैटेलाइट है। जो कौन है, उनका नाम क्या है? केशव राघवन, अमित प्रसाद, विपुल नाथ या फिर चंद्रकांत दत्तात्रेय, कौन सा इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 21st का? अब इसका सही जवाब देख लेते हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम क्या है? केशव राघवन इनका सही जवाब होगा। ये इसकी तस्वीर है, आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट एवर श्रीलंकन सैटेलाइट लॉन्च इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाला पहला श्रीलंका के उपग्रह का नाम क्या है? रावणा फर्स्ट, श्रीलंका सेट फर्स्ट, पृथ्वी सेट या आकाश फर्स्ट, कौन सा इसका सही जवाब होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रावणा फर्स्ट। इसको श्रीलंका ने इसको सैटेलाइट को लॉन्च किया है। चलिए ये बताइए, व्हेन द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? इसको इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये बताइए, ये 17, 18, 19, 20 अप्रैल, इनमें से कौन से दिन ये मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या हम कहें इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट एंड साइट, इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट कब मनाया जाता है? ये देखते हैं, इसका सही जवाब होगा, ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है, ठीक है? ये इसका सही जवाब होगा। ये देखिए, इसकी थीम की अगर हम बात करें, इसकी थीम क्या है? रूरल लैंडस्केप। इसकी थीम की बात करें, यहाँ पे देखिए 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है, ये क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम रूरल लैंडस्केप इसकी थीम है। चलिए अगर हम बात करें इसका, ये जो ये थीम है, ये किसके द्वारा ये शुरू की गई है, या फिर ये जो डे है सेलिब्रेशन, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है ICOMOS के द्वारा। इसके बारे में देखते हैं, ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, ये इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया था? ये 18th अप्रैल 1982 में ये शुरू किया गया था, और उसके साथ ही अब इसको अप्रूवल, इसको जो अप्रूवल दी गई थी, इसको जो यूनियन असेंबली है उसने इसको अप्रूवल दी थी, कब दी थी? 1983 में इसको अप्रूवल दे दी गई थी। और अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, तो इंडिया की जो 5 टॉप इम्पोर्टेंट साइट हैं जो यूनेस्को के अंडर आई है, या धरोहर आप कह सकते हो, तो वो कौन कौन सी है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये है ताजमहल, कुतुब मीनार, सन टेम्पल, मोनूमेंट ऑफ खजुराहो, और महाबोधि टेम्पल।
ये इंडिया के टॉप 5 ये मॉन्यूमेंट है जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर रखा गया है। यहाँ टॉप 5 की बात की जा रही है, ठीक है? तो ये इसका सही जवाब होगा जो हमने आज यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट सिलेक्टेड फॉर फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंडन। कौन फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई हैं? पहली कौन सी बन गई है? ये मनप्रीत कौर, गगनदीप कौंग, मीनल संपत या रितु करीदल। कौन सा इसका सही जवाब होगा? बात क्या हुई है, किस चीज के बारे में पूछा गया है यहाँ पे? फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट सिलेक्टेड फॉर किस चीज के लिए? फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन। इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सही जवाब क्या होगा? अब पहले इनके सही जवाब देख लेते हैं, वो है ऑप्शन बी, गगनदीप कौंग। गगनदीप कौंग को इन्हें ये यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए। अब ये इनको इनके बारे में जान लेते हैं, ये जो इन्फेक्शन बच्चों के अंदर इन्फेक्शन हैं उसको लेके जो इन्होंने काम किया है, इसके लिए ये इन्हें जाना गया है, उसके लिए इनके जो काम के लिए इन्हें जाना गया है, और इन्हें ही फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन का ये चुनी गई है, ठीक है? ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये इनकी तस्वीर है। अब ये देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड चेयर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, विभू कल्याण नायक, राजेंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह या संदीप सिंह। इन चार ऑप्शंस में से सही जवाब आपका कौन सा होगा? सही जवाब कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये विभू कल्याण नायक जी हैं, जो कहाँ से हैं? भुवनेश्वर से हैं, और इन्हें ही ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं टू बी अपॉइंटेड चेयर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। ये इसका सही जवाब होगा। तो आज के हमारे जो 25 क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर का थर्ड सेशन है, जिसमें हमने 75 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड टाइम।